हाय दोस्तों, मैं देखिए एक तेलोडी स्कूल है वहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ के बच्चों को भी योग करवाऊँगा और देखिए रास्ते में कितने अच्छे सीनरी है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए योग के साथ साथ जो है हमारा प्रकृति भ्रमण भी होता है। और देखिए मैं हर जगह जाता हूँ, लोगों को योग करवाता हूँ, मुझे बहुत एक खुशी मिलती है। और देखिए आप लोग दृश्य देख सकते होंगे कितना अच्छा प्रकृति का नज़ारा है। और इस नज़ारे में मुझे ये सौभाग्य हमेशा मिलता रहता है, क्योंकि मैं हर जगह जाता रहता हूँ और लोगों को योग करवाता हूँ, खुद भी स्वस्थ रहता हूँ, लोगों का चाहता हूँ कि लोग भी स्वस्थ रहें। इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ कि देखिए आप लोग भी योग से जुड़े। जब योग से जुड़ेंगे ना तो आपके चेहरे पे एक स्माइल एक अलग सी दिखेगी, और वही चीज़ मेरे साथ होता है। अब मैं अपने आप को बहुत खुश समझता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी योग करें और इस तरह से लोगों को भी जोड़ें योग से। जितने लोग योग से जुड़ेंगे ना उतने समझिए कि पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका मनोबल हाई रहेगा। और आपके जो मेलाटोनिन है ना, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ये सारे का आपके अंदर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करने का जो बीड़ा उठाया हूँ ना मैंने, मुझे एक बहुत खुशी मिलती है। और ये चाहता हूँ कि मैं सभी लोग ऐसा ही करें और हमारे साथ जुड़ें। बहुत लोग योग से जुड़े भी हैं और बहुत से सारे हमारे साथी लोग भी जो हैं अपने निस्वार्थ भाव से लोगों को योग करवा रहे हैं। तो इस तरह की भावना होनी चाहिए और योग करते रहना चाहिए और योग से लाभ उठाते रहना चाहिए। चलिए धन्यवाद। अभी रास्ते में हूँ, अभी मैं अगर उस स्कूल तक पहुँचता हूँ फिर वहाँ के बारे में, वहाँ के बच्चों को कि किस प्रकार से मैं योग करवाऊँगा ये आप लोग को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हमारे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं एक यहाँ पे गांव में आया हूँ, उत्कर्मित मध्य प्राथमिक विद्यालय है ये तेलोडी गांव में आया हूँ। और तेलोडी के स्कूल के जितने बच्चे हैं उन लोगों को कुछ मैं योग के बारे में बताऊंगा। इस गाँव में भी योग नहीं होते हैं तो मैं चाहूंगा कि इस गांव के सारे बच्चों को योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे सकूं और यहां से लोग उसका लाभ उठा सकें। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हर घर में योग हो और लोग उसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। तो देखिए मैं आप लोगों को वैसे बच्चों के साथ मैं मिलवाता हूं, यहां के टीचर लोगों से मैं भी मिलवाऊंगा कि यहाँ के टीचर लोग भी अपने बच्चों को प्रतिदिन योग के साथ जोड़ करके रखें। तो आप देख सकते हैं तेलोडी के ये सारे बच्चे स्कूल के, सारे बच्चे कैसे हो? बढ़िया है। हाँ। सब बच्चे खुश हो? हाँ। सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं आप लोग को? हाँ। जोर से ताली बजाइए। हाथ लाल होने चाहिए सभी बच्चे का, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया। बस जब इशारा करूं तो बिल्कुल शांत। अपने अपने हाथ देखिए, वेरी गुड। किसी का पीले तो नहीं हुए? नहीं हुए तो बहुत बढ़िया है। तो अभी सारे बच्चे खुश हैं तो एक बार हम लोग कस के हंसेंगे, क्या करेंगे? फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे। उससे पहले बता दूं आप लोग को कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में होगी तो कोई बीमार पड़ेगा? चूंकि हमारे जितने बॉडी के अंदर में जितने सेल हैं वो सारे सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाइए। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। तो रोज आएंगे हम सर को, अभी हमसे सर किताब लीजिएगा। आप पीटी टीचर हैं यहाँ के, तो बच्चों को डेली योग कराना है, योग का किताब दे देंगे बच्चों को। कौन बच्चा लोग योग करता था? कोई नहीं करता था, योग नहीं करता ना। अच्छा, योगा नहीं करते थे सिर्फ दौड़ते थे। तो चलिए आपसे योगा करेंगे। योगा का सबसे पहला मंत्र हम हर जगह जाते हैं, हर जगह की स्कूलों में, हर गांवों में, हर शहरों में, सब जगह जाते हैं और सब लोगों को एक ही बात बताते हैं कि लंबा गहरा श्वास जितना जो ज्यादा ले सकता है
उतना देर श्वास लेगा। तो आप लोग लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़े में पूरा हवा भरिए, पूरा छाती को खोलिए और रोक के रखिए, श्वास को अंदर रोक के रखिए। सारे बच्चे श्वासों को मैं देख रहा हूं, और सीधा बैठिए, मेरुदंड को क्या करिए, सीधा कर दीजिए। सभी बच्चे, सब बच्चा लोग एकदम सीधा, श्वास को रोके रहिए यथासंभव, इसके बाद श्वासों को बाहर निकाल दीजिए। चलिए, रिलैक्स महसूस हुआ, फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे सारे बच्चे। श्वासों को लेने का नाम है योग के भाषा में पूरक करना। जब श्वास हम फेफड़े में भरते हैं उसको बोलते हैं पूरक करना, और जब हम श्वासों को अंदर फेफड़े में रोकते हैं तो उसको बोलते हैं कुंभक लगाना। यानी कि फेफड़े में श्वासों को रोके तो वह अंतः कुंभक हमने लगा दिया, और इसके बाद पूरी श्वासों को बाहर जब निकालते हैं तो उसे बोलते हैं रेचक करना। तो हम रेचक कर देते हैं। तो सारे ये मंत्र समझ गए सभी लोग? लंबा गहरा श्वास, कभी भी जब भी आपको समय मिले लंबा गहरा श्वास जरूर लीजिएगा, और कुछ देर के लिए फेफड़े में रोकिएगा, और फिर श्वासों को आए हैं तो दो चार आसन आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है? ठीक है। करिएगा आप लोग? हाँ। हल्का वाला कि कठिन वाला? कठिन वाला। कठिन वाला, कठिन वाला कर लोगी? हाँ। पक्का बात? हाँ। तो चलिए मैं कुछ दो चार आप लोगों को कठिन वाला करके बताते हैं। सारे बच्चे खड़े हो जाओ, चलो आप लोग को भी प्रैक्टिस। आप लोग सर बच्चों को देखिए गिर ना जाए, थोड़ा सा स्पेस बना करके रखना बच्चे, ठीक है? जिन लोगों से नहीं होगा नहीं करना, लेकिन जिनसे होता है वो कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करवाते हैं बच्चों को लंबा होने के लिए, मानसिक संतुलन बनाने के लिए। तो दोनों हाथों को ऐसे करेंगे सभी बच्चे, लंबा होने के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, फेफड़े भी मजबूत होंगे जब श्वास भरेंगे तो, और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सभी लोग खींचिए, किसी एक चीज पे नजर को जमा लीजिए ताकि आपका बैलेंस बना हुआ रहे, और आसमान छूने का प्रयास कीजिए। जितना ऊंचा आप ऊपर हाथ को उठाएंगे पंजे के ऊपर में, अपने शरीर पे पूरा खिंचाव देंगे। जब आप ऐसा करेंगे, सभी लोग ऊपर रखिए जितना देर रख सकते हैं, कम से कम आधा मिनट एक मिनट तक के लिए। तो जो बच्चे ऐसे डेली करेंगे उनके मेरुदंड से जुड़े हुए समस्याएं दूर हो जाएगी, कमर का दर्द होगा उसमें भी आराम मिलेगा, आप लोग के यहाँ रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है वो भी आराम मिलेगा, आपका पोस्चर सही होगा, आपका शरीर सुडौल बनेगा, बिल्कुल बढ़िया बनेगा, हर तरह का फेफड़े में मजबूती आएगी ऐसा मात्र करने से। सभी लोग डाउन, इस आसन का क्या नाम था? सारे बच्चे बोलो, ताड़ आसन। क्योंकि आपका शरीर ताड़ के जैसा लंबा हो गया, ताड़ जैसा लंबा हो गया तो ये ताड़ आसन। कौन सा आसन करेंगे? भिक्षासन। भिक्षासन करने के लिए एक पैर पे खड़े होते हैं और एक पैर को अपने मल द्वार के पास लगाते हैं ऐसे। सभी लोग लगाइए पंजे का रोध नीचे की तरफ और पैर ऐसे, सभी लोग लगाइए। हाँ, दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, ऐसे मिलाइए, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। ऐसा करने से ये इस आसन का नाम है भिक्षासन। भिक्षासन यानी कि भिक्ष के जैसा स्थिर रहने वाला, आपकी एकाग्रता बनेगी, आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा। ऐसा अगर आप डेली प्रतिदिन करते हैं तो क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा, शरीर का संतुलन बनेगा। तो ये संतुलन बनाने के लिए, सभी लोग डाउन। तो एक पैर से करेंगे तो दूसरे पैर से भी करना पड़ेगा। इसके बाद करेंगे हम तुला दंडासन। क्या करेंगे? अभी करेंगे तुला दंडासन। तुला दंडासन करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हैं, मोटी मसल को अपने कान से ऐसे लगा लेते हैं, एक पैर पे सीधा रखते हैं और सामने देखते हैं, ठीक है? और एक पैर को पीछे ले जाएंगे और हाथ को और सिर को नीचे ले जाएंगे ऐसे, और आधा मिनट एक मिनट के लिए ऐसे रुकेंगे। सारे बच्चे कुछ कर रहे थे, पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए बेटा, ये भी संतुलन आपके शरीर का संतुलन बनाता है और कठिन आसनों में आता है। तो ठीक है, आप लोग आज सिर्फ एक एक अभ्यास करो, लेकिन रोज सर से बोलेंगे, सर डेली करवाएंगे आप लोग को, और जो बच्चा अच्छा करने लगे सर मेरे को बताएंगे,
कि ये बच्चा बढ़िया कर रहा है तो इनको हम कंपटीशन में भी ले जाएंगे, जो बच्चे अच्छा करने लग रही है। ठीक है, दूसरा आसन क्या करेंगे, एक पैर को देखिए, इसको बोलते हैं दंडायमन चतुष्कासना। क्या बोलते हैं? चतुष्कासना। उसको करने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक पैर पे खड़ा रहते हैं, किसी चीज को केंद्रित रखते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और एक पैर को ऊपर उठाते हैं इस प्रकार से, और एक हाथ से इसको पकड़ते हैं और इस पैर को भी सीधा करते हैं, ये, और घुटने को सीधा। जितना जिनसे होता है उतना कीजिए, और फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए। हल्ला नहीं करोगे, हमने बोला था ना फिर नहीं करवाऊंगा, फिर आप लोगों को बैठवा दूंगा। आवाज नहीं करेगा, एक बच्चा आवाज करेगा तो सारे में कितना शोर होता है। डिसिप्लिन का नाम है ना, योग भी डिसिप्लिन से होता है। पैर को सीधा करना है, बहुत अच्छा। इस बच्चे के लिए जोर से सभी बच्चे ताली बजाइए, बढ़िया कर, जितना कर सकते जितना होता है उतने कीजिए, ठीक है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। अभी करेंगे दंडायमन, दंडायमन जानु शीर्षासन। तो दंडायमन जानु शीर्षासन करने के लिए, जानु मतलब जानते कि ये किसको बोलते हैं, इस घुटने को बोलते हैं जानु। अपने सिर को इस जानु से सटा देना है, तो कैसे सटाएंगे देख लीजिए। अभी ऐसे करेंगे, एक पैर पे खड़ा होंगे, इसके बाद एक पैर को फोल्ड करेंगे, सामने से पकड़ेंगे दोनों हाथ से इस प्रकार से, और पैरों को क्या करेंगे, सीधा कर देंगे सामने की तरफ, और अपने सिर को भी पैर से लगाएंगे इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये दंडायमन जानु से साथ, ठीक है, और इस, हाँ तो सर करवाएंगे, सर को मैं किताब भी दे दूंगा करवाने के लिए, तो आप लोग को डेली करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ कंपटीशन में ले जाएंगे, तो सारे बच्चे बैठ जाएंगे, बढ़िया सा बैठ जाइए, अभी बैठ जाएंगे सारे बच्चे। अभी देखिए मैं एक कठिन आसन करके बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग मुंह तोड़ लोगे अभी यहाँ। उसका अभ्यास करना है अपने गद्दे पे, बिछावन पे तकिया रख करके, ठीक है। तो ऐसे देखिए हम करते हैं, ये क्या करते हैं कि बगुला, बगुला समझते हैं, वक्त आसन उसको बोलते हैं, बगुला के जैसा अपने शरीर को बना देने का। तो ऐसे करते हैं, दोनों हाथ को ऐसे लगाते हैं, अभी नहीं, आप लोग क्या बोले, सिर उठ जाएगा बेटा, अभी नहीं करना, आप लोग अभ्यास करना पहले घर में, खाली देखो तब आराम से, पहले देख लो कैसे करना है। ऐसे रखते हैं दोनों हाथों को, और आराम आराम से, स्थिर स्थिर, हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं, आराम से पैर को मिलाओ। हाँ बहुत बढ़िया, जोर से ताली इस बच्चे के, और क्या करते हैं इस बच्चे के लिए, जोर से ताली बजाइए। ये कौन सा आसन है, शीर्षासन, कौन सा आसन है, शीर्षासन, शीर्षासन, जो सिर के बल खड़ा हो जाए उस सिर सवा, तो हंस लीजिए कस करके, ठीक है। तो आप लोग बेतरतीब क्यों हो रहे हैं, बैठिए अपने जगह पे, गंदी काम नहीं कीजिए बेटा, बैठ जाइए, ठीक है ना। तो शीर्षासन भी कर लिया, शीर्षासन करने से क्या फायदा है मालूम है आप लोगों, हमारा शरीर का जितना ब्लड है वो हमारे सिर में आता है, और सिर के नसों को साफ करता हुआ फिर क्या, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही हो जाता है। तो सिर के बाल जो झड़ते रहते हैं वो झड़ना समय रुक जाता है, लोग जवानी में ही बाल पक जाते हैं लोगों को, तो उन लोगों का बाल काला हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेगा, सर का जो समस्या होगा, सर दर्द करता होगा वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो लोग नहीं करते इस आसन को, क्योंकि उनकी ड्यूटी बढ़ सकती है ऐसा करने वाले, समझ रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार कितने बच्चे करना जानते हैं, नहीं जानते, तो एक बार देखिए सूर्य नमस्कार करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हो तो थोड़ा सा खुल जाओ बेटा, तब कर सको, मेरे साथ करना, और मास्टर साहब आप भी करिए मेरे साथ, आइए इधर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस प्रकार से प्रणाम की मुद्रा करना है, कैसे करनी है, प्रणाम की मुद्रा,
ठीक है, आप लोग कर सकते हो, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ, सारे बच्चे आप लोग भी कर लो बेटा, अच्छी चीज है, योग है, अच्छी बात है। फिर प्रणाम की मुद्रा ऐसे बनाए, सभी बच्चे बना लिए, पैरों की दूरी दो से तीन उंगली की रखिए, ज्यादा नहीं, लंबा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़े में पूरी हवा भरिए और लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, इस प्रकार पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, शरीर को जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए, जितना करेंगे तो। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए, श्वासों को बाहर निकालते हुए आप लोग नीचे आइए, दोनों हाथों को पैर के बगल में लगा दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और अपने सिर को भी पैर से लगाइए ऐसे, फिर लंबा गहरा श्वास लीजिए, तो दोनों हाथ के बीच में दोनों पैर है, अब बाएं पैर को पीछे ले जाइए, बाएं पैर को ले जाइए पीछे, बाएं पैर को आगे जितना आगे कर सकते हैं, दाहिने पैर को आगे की तरफ करेंगे इस प्रकार से, और सीना उठा हुआ, सिर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए, रिशु तो दाहिना पैर आगे बाएं पैर आगे छोड़ते हुए, फिर दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएंगे और हिप को ऊपर उठाएंगे और नजर को अपने नाभि पर जमा देंगे ऐसे, फिर श्वासों को सामान्य करते हुए दोनों घुटना लगाइए, दो पैर आपके लगे हुए हैं, दो घुटना लग गए, कितने हो गए, चार। दो हाथ लगे हुए हैं, कितने हो गए, अभी छाती सटाइए, कितने हुए, चार। और ठुड्डी को सटा दिए, आज हिप को उठा करके रखे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, आगे की तरफ जाएंगे ऐसे, पूरा बॉडी को खींचेंगे ऐसे, हंसना नहीं, फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपना नाभि को देखेंगे, फिर दोनों हाथों के बीच में बाएं पैर को लेके आएंगे ऐसे, और बाएं पैर के घुटने को भी आगे की तरफ निकालेंगे और सिर को आसमान की तरफ रखेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी सामने लाएंगे, सिर को अपने पैर से लगाएंगे, फिर लंबा श्वास लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, जितना तो एक बार हुआ था, अब तेजी के साथ आप लोग को करके दिखाता हूँ कैसे करना है, सारे बच्चे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, प्रैक्टिस कर लिया आप लोग ने, अब एक बार मैं करके दिखाता हूँ कि तेजी के साथ कैसे करते हैं, सूर्य नमस्कार, ठीक है ना, एक नंबर में ऐसे लंबा, पाँच मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा कीजिएगा, आगे पाँच से दस, चार में ऐसे, पाँच में ये, छह में ये, सात में ये, आठ में ऐसे, नौ, फिर ये दस, और एक ये की ग्यारह, और ये बारह, अब तेजी के साथ हम अपने लिए करेंगे, अगर हम सीख गए तो हम तेजी के साथ भी कर सकते हैं इसको, तेजी के साथ करेंगे तो व्यायाम हो गया, और धीरे धीरे करेंगे तो सब में एक आसन छुपा हुआ है जो आपके पूरे बॉडी को एक ऊर्जा से भरता है, आपके अंदर शरीर में कमजोरी नहीं आती, ऊर्जा आता है, पावर आता है, शरीर भी मस्त होता है, बढ़िया सॉलिड शरीर बनता है, तेजी के साथ डेली करेंगे आप लोग, ऐसे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इस तरह से बारह कंटिन्यू पांच मिनट कर रहा, ठीक है, जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, अब कस के हंसेंगे, फेफड़े में हवा भर के, हंसने से सब रोग भाग जाते, ताली बजाने से सब रोग भाग जाते, समझ रहे आप लोग, तो खूब ताली बजाइए, खूब हंसिए, अभी एक आसन करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है, तो ऐसे सभी लोग ऐसे बैठ जाइए, पैर को दोनों घुटना खोल दीजिए, दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसे रखिए, एक जगह नजर को जमा लीजिए, कहीं भी कोई भी चीज देखिए, आंख को पलक को नहीं झपकाना, पलक को खोल के रखना, ठीक है, और जीभ पूरा बाहर निकलना चाहिए, और जितना ताकत है, जितना फेफड़ा में हवा है, सब हवा को चिल्लाने के क्रम में निकाल देना है, गले से आवाज आनी चाहिए, कैसे पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठाएं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग इसका लाभ उठा सके,
आप देखे होइएगा बच्चे कितने खुश हो गए और कितने दिल से हंसे हैं। तो ये हंसी आपको कहीं ना कहीं बड़े लोगों को भी खास करके तनाव से दूर करने का एक बहुत बढ़िया साधन है, जिससे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लाभ पूरे शरीर के लिए कह सकते हैं कि हंसना और ताली बजाना बढ़िया होगा। सारे बच्चे ताली बजाइए और खुश हो जाइए। जय।